Hello guys, welcome to Tech Stuff. In today's video, we have a lot of things today. We have the OnePlus 11R, we have the OnePlus foldable smartphones, OnePlus Nord Pad, Realme GT Neo 5, Redmi A2 series, Oppo Find X6 series, Oppo Reno 8T, Samsung ki new K series and a lot more. So agar aapko aaj ki video pasand aayegi, aaj ki video to waise pasand aani chahiye. So agar aapko aaj ki video pasand aayegi, to video ko like kar dena, share kar dena, subscribe to the channel if you haven't already. And now, without waiting any further, let's get started. Let's start with Oppo guys. Oppo Reno 8T India में launch होने वाला है काफी जल्दी. In all likelihood, Reno 8T India में launch होगा 3rd Feb को. इसकी first sale होने वाली है 9th Feb को और इसकी pricing India में around 28,999 rupees होने वाली है. Clearly, it's not going to be too aggressively priced, but still, अगर आपको Oppo के Reno series के smartphones में interest है और अगर आप इसका wait कर रहे हो तो यार आप काफी जल्दी Reno 8T India में launch होने वाला है. Oppo Find X6 सीरीज भी काफी जल्दी लॉन्च हो रही है गाइस ग्लोबल मार्केट में एटलीस्ट. और Oppo Find X6 Pro की तो हम बहुत टाइम से बात कर रहे हैं बट वनीला Oppo Find X6 बेचारा मतलब लीक्स इसके आ ही नहीं रहे थे. फाइनली Oppo Find X6 के कुछ नए लाइव शॉट्स लीक हो गए हैं. दिस इज व्हाट द Oppo Find X6 इज allegedly going to look like. इसमें 50+50+50 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाला है. एक बहुत ही ह्यूज कैमरा बम्प Oppo Find X6 में मिलने वाला है. आपको ये कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में यू कैन लेट मी नो. Xiaomi 11T और Poco F4 यूजर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है. फाइनली Xiaomi और Poco ने इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए Android 13 बेस्ड MIUI 14 अपडेट को रोल आउट कर दिया है. अगर आप इनमें से कोई भी स्मार्टफोन चला रहे हैं तो ओवर द एयर आपको ये अपडेट काफी जल्दी आपके रिस्पेक्टिव स्मार्टफोन्स में मिलने वाला है. रिस्पेक्टिव Redmi Band 2 लॉन्च हो रहा है गाइस बहुत जल्दी यूरोपियन और इंडियन मार्केट में. मैंने आपको बताया था वैसे कि यार Redmi के दो नए वियरेबल्स लॉन्च होने वाले हैं जल्दी ही और Redmi Band 2 का मार्केटिंग मटेरियल ही लीक हो गया है. दिस इज व्हाट द Redmi Band 2 ग्लोबल एंड इंडियन वेरिएंट इज गोइंग टू लुक लाइक. इसकी प्राइसिंग ग्लोबल मार्केट में मतलब यूरोपियन रीजन्स में अराउंड 3100 रुपीज होने वाली है बट इंडिया में 2500 रुपए के आसपास Redmi Band 2 की प्राइसिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Realme GT Neo 5 इज लॉन्चिंग वेरी सून गाइस और Realme ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई कल से हम Realme GT Neo 5 के टीजर्स ड्रॉप करने स्टार्ट कर देंगे. सो कल हो सकता है कि Realme GT Neo 5 की फर्स्ट एवर ऑफिशियल लुक हमें मिल जाए. नॉट जस्ट दैट Realme GT Neo 5 इन एनी केस 7 या 8 फरवरी को लॉन्च होने वाला है और इंडिया में भी इस स्मार्टफोन की लॉन्च अब काफी जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. Redmi A2 और Redmi A2 Plus एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं जल्दी ही गाइस और एक्सक्लूसिवली आई एम टेलिंग यू टुडे दैट Redmi A2 सीरीज की सीरियल प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई है यूरोपियन मार्केट्स में और इंडिया में भी इस स्मार्टफोन सीरीज की प्रोडक्शन शुरू होगी. सो काफी जल्दी Redmi A2 Redmi A2 Plus आपको मार्केट में मिलने वाले हैं और Redmi A2 Plus नाम इस मॉनिकर को आज मैंने IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे स्पॉट कर लिया है. इफ इन केस आपको Redmi के एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है तो ये दोनों फोन अब जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे और इनका एक रीब्रांडेड Poco काउंटर पार्ट भी वैसे इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. Samsung की Galaxy K सीरीज के स्मार्टफोन आर लॉन्चिंग इन द नियर फ्यूचर. मैंने आपको बताया था शायद लास्ट वीक आपको इसके बारे में बताया था और गैलेक्सी के सीरीज के दो और स्मार्टफोन अब सर्टिफाई हो गए हैं. इनके नाम है सैमसंग गैलेक्सी K741 और सैमसंग गैलेक्सी K746. ये तीनों स्मार्टफोन्स दो आज वाले और एक जो मैंने आपको पहले बताया था ये तीनों स्मार्टफोन अब सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला है. Oppo Pad 2 लॉन्च होने वाला है गाइस काफी जल्दी और Oppo Pad 2 की स्पेसिफिकेशंस आज लीक हो गई हैं. नोटेबली Oppo Pad 2 में एक 144Hz रिफ्रेश रेट 11 इंच डिस्प्ले मिलने वाली है. डॉल्बी विजन और HDR 10 प्लस सपोर्ट Oppo Pad 2 में मिलने वाली है. 9500mAh की बैटरी होगी. 67W की फास्ट चार्जिंग होगी. MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर और Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स पे Oppo Pad 2 रन करने वाला है. एंड एज फार एज द डिजाइन इज कंसर्न्ड Oppo Pad 2 रिपोर्टेडली अपकमिंग OnePlus Pad जैसा दिखने वाला है. सो कुछ रीब्रांडिंग रीनेमिंग आप Oppo और OnePlus की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. Oppo Pad 2 हो गया, OnePlus Pad लॉन्च होने वाला है बट OnePlus की Nord सीरीज का भी एक टैबलेट लॉन्च होने वाला है जल्दी ही गाइस. एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूं कि OnePlus इज वर्किंग ऑन लॉन्चिंग अ Nord ब्रांडेड टैबलेट एज वेल. क्लियरली ये OnePlus Pad से थोड़ी सी कम स्पेसिफिकेशंस के साथ लॉन्च होगा और ऑफ कोर्स इसकी प्राइसिंग भी OnePlus Pad से कम होने वाली है. सो एक मिड रेंज टैबलेट होने वाला है ये OnePlus Nord Pad और काफी जल्दी OnePlus Nord Pad की लॉन्च को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड स्पीकिंग ऑफ OnePlus आज की
की, बाकी सारी न्यूज OnePlus की है। सबसे पहले बात करते हैं OnePlus Nord Buds 2 की। गाइस OnePlus Nord Buds 2 भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। इनकी टेस्टिंग और प्रोडक्शन अब स्टार्ट हो गई है। OnePlus के ये अफोर्डेबल TWS आप OnePlus की Nord 3 सीरीज के स्मार्टफोन्स के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। OnePlus ने आज ये भी कंफर्म कर दिया है कि OnePlus Ace 2 भी लॉन्च होने वाला है 7 फेब को। ऑफ कोर्स ये स्मार्टफोन OnePlus 11R नाम से लॉन्च होने वाला है इंडिया में। और OnePlus ने आज बता दिया है कि स्मार्टफोन के दो वेरिएंट्स लॉन्च होंगे, दो कलर वेरिएंट्स लॉन्च होंगे, सिल्वर और ग्रे। मैंने आपको वैसे ये पहले ही बता दिया था। और गाइस OnePlus Ace 2 और OnePlus 11R में Snapdragon 8 Plus Gen 1 प्रोसेसर होने वाला है और अप टू 16GB रैम होने वाली है। तो गाइस ये तो आज OnePlus ने कंफर्म किया, बट आपको अगर आप टेक्स्ट अप देखते हो तो इस सब के बारे में बहुत पहले से पता था। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का से सब्सक्राइब कर लो, मेहनत लगती है यार। And speaking of OnePlus Ace 2 and OnePlus 11R, guys, दोनों सेम स्मार्टफोन्स हैं तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी यहाँ पे ब्रेक हो जाती है और कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि यार OnePlus Ace 2 की स्पेक्स क्या है, OnePlus 11R की स्पेक्स क्या है। आगे फ्यूचर में OnePlus इस कंफ्यूजन को हो सकता है खत्म करते, बिकॉज OnePlus ने OnePlus Ace वर्ड को ट्रेडमार्क कर लिया है इंडिया में। सो फ्यूचर OnePlus Ace स्मार्टफोन्स, OnePlus Ace 2 Pro, OnePlus Ace 2 Speed Edition, OnePlus Ace 3, ये सारे स्मार्टफोन्स इंडिया में इसी नाम से लॉन्च हो सकते हैं। एंड इन द एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यूज ऑफ द डे। OnePlus फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करने वाला है। गाइस एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा हूं कि OnePlus लेटर दिस ईयर इज गोइंग टू लॉन्च हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग एंड वर्टिकली फोल्डिंग स्मार्टफोन्स, मतलब ट्रेडिशनल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स और क्लैम्पशेल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स OnePlus लॉन्च करने वाला है। और इनके नाम होंगे OnePlus V Fold और OnePlus V Flip। गाइस इन दोनों नामों को, इन दोनों मॉनिकर्स को OnePlus ने ट्रेडमार्क कर दिया है, तो काफी जल्दी OnePlus V Fold, OnePlus V Flip की लॉन्च हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इंडिया में भी ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे। That's it guys, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज बहुत सारी न्यूज थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर दो, एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो शेयर कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद। इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए Xiaomi और Poco ने सैमसंग की गैलेक्सी K सीरीज के स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं।